आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। पूरी दुनिया इस दिन हर साल डेकेड से ये प्लेज करती है, अहद करती है कि इंसानियत एक है, हर इंसान को एक्सेप्ट किया जाए रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, नेशन, और उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। मगर क्या वजह, आज मैं दुनिया से पूछती हूँ, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन से, जो ये दिन मनाते हैं, कि क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या मेरिट है कि इंडिया अभी तक मेंबर नेशन है यूनाइटेड नेशंस का? इसको रिमूव क्यों नहीं किया जाता? इसको अकाउंटेबल क्यों नहीं किया जाता? इसके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाई जाती? ये बदतरीन वॉयलेशन कर रहा है इंसानियत की, ये जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है 70 सालों से कश्मीरियों की, लाशें बॉडी बैग्स मिलते हैं। हमें जीने का तो बहुत दूर की बात है, हमें मरने का भी हक नहीं है, हमें अपने प्यारों को दफनाने का हक नहीं है। और आज दुनिया ये दिन मनाती है। इस दिन मनाने का तभी फायदा है जब ऐसे एग्रेसर्स, ऐसे किलर्स को और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बंद नहीं किया जाता, अकाउंटेबल नहीं किया जाता। कश्मीरियों के पास कोई सिविल राइट्स नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, सोशल राइट्स नहीं है, रिलीजियस राइट्स नहीं है। फॉर हाउ लॉन्ग कश्मीरी जो है मरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, उनके कब्रिस्तान बढ़ते रहेंगे? गाजर मूली की तरह हिंदुस्तान